ये डॉग एक एथलीट है, एक फैशन डीवा है, बुक्कड़ है और एक बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है। मिलिए चुलबुली से, जिसे हर तरह से अपनी बात मनवाना और अटेंशन पाना बहुत अच्छे से आता है। एनिमल एरियर टीम से लेके मीडिया टीम तक सभी के पास चुलबुली की कोई ना कोई शिकायत तो जरूर होगी। इसको किसी से डर नहीं लगता। अगर आप किसी और डॉग को अटेंशन देते भी हो ना, तो ये उनसे भी झगड़ा कर लेती है, क्योंकि सब अटेंशन इसको चाहिए। एक नंबर की ड्रामेबाज है ये। खाने को देखे ऐसे पागल होती है जैसे सदियों की भूखी हो। और क्योंकि इसकी हरकतें तस्वीरों में कैद करना जरूरी है, तो मीडिया वाले भी इसकी क्रेजीनेस के गवाह हैं। इसके साथ शूट करके थक गया मैं। पर चुलबुली की इन शरारतों से भी सभी को प्यार है। यार ये इतनी प्यारी है, जब भी मुझे देखती है भाग के आती है मेरे पास पेट करवाने के लिए। इसे ट्रेन करना और ग्रूमिंग करना मुझे अच्छा लगता है, तो ये सब प्यारी मेरी। चुलबुली के साथ फोटो खींचने जाता हूं, लाइक ये बहुत एक्टिव है, कैमरे से भी ज्यादा मेरा वो ध्यान देते हैं, लाइक शी इज वेरी क्यूट। पर हमेशा ऐसा नहीं था। यहाँ आने से पहले चुलबुली के इसी प्यार को गलत समझा गया था। चुलबुली को संजय जी भवारना से लाए थे, शायद उसे किसी ने अबैंडन किया था। तो रात को ना कोई इसको हमारे घर के बाहर छोड़ गया था, और लोग सुबह ही उठ के इसको डंडे मार रहे हैं, कोई लाठी मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। ये प्यार करना चाहती है, ऊपर चढ़ती है ये। अब लोगों को लग रहा है हमें काट रही है, पर ये काटती नहीं, बहुत फ्रेंडली है ये। एक्चुअली गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। हम लोग डॉग बिहेवियर समझ ही नहीं पाते हैं। जब भी कोई डॉग फ्रेंडली होकर हम पे जंप कर रहा होता है, तो हमें लगता है कि अरे ये तो अटैक कर रहा है। चुलबुली को इतना गलत समझा गया, जबकि बेचारी को सिर्फ प्यार और अटेंशन चाहिए था, कोई ह्यूमन दोस्त चाहिए था। यहाँ आते ही उसे खूब सारा प्यार मिलने लगा और उसकी स्पेस सर्जरी भी हो गई। चुलबुली अब हमारे पास है, जहाँ ये खुश भी है और सेफ भी। पर इसे जरूरत है एक ऐसे परिवार की, जहाँ इसे प्यार देने के लिए दूर नहीं किया जाए, बल्कि बदले में और प्यार मिले और अप्रिसिएशन भी।